वेलकम टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको कैरेट एंड बीटरूट दोनों का हलवा सिखाऊंगा। आई होप कि आप इसे लाइक करेंगे। चलिए किचन में बनाने चलते हैं कैरेट एंड बीटरूट का हलवा। बीटरूट एंड कैरेट का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बीटरूट। तो बीटरूट को मैंने पील कर लिया है, अब इसको मैं कद्दूकस करूंगा। हमने बीटरूट को कद्दूकस कर लिया, अब इसमें डालेंगे हम कैरेट और कैरेट को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप कोई भी ग्रेटर ले सकते हो, मैंडोलिन ग्रेटर ले सकते हो, स्टैंडिंग ग्रेटर ले सकते हो। मैंने मेरा फ्लैट है तो मैं फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ। हमने कैरेट को भी कद्दूकस कर लिया है, बीटरूट को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसका हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने पैन लिया है और पैन में डालूँगा मैं देसी घी। मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा खुशबू आए और ज़्यादा रिच बने। मैंने कम से कम 3 टेबलस्पून देसी घी डाल लिया है। इसमें हम सबसे पहले हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हम डालेंगे उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे इसमें कलर आएगा इसको हम निकाल लेंगे। फ्रूट तैयार हो गए हैं, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। अब जो हमारे पास देसी घी बचा है इससे बनाएंगे हम हलवा। और सबसे पहले डालेंगे हम कैरेट एंड बीटरूट, जो हमने कद्दूकस की है उसको डालेंगे। उसको अच्छी तरह हिलाते चलेंगे और तब तक हिलाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। देखिए कितना बड़ा कलर आ गया है इसमें, ऑरेंज एंड रेड। और आस्ते आस्ते सारा ही रेड हो जाएगा क्योंकि बीटरूट इसको ओवरकम कर देगा और बीटरूट का ही आपको ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो हम तब तक हिलाएंगे जब तक इसमें पानी है। अकेले बीटरूट का भी हलवा बना सकते हैं। मैंने इसमें कैरेट ऐड कर दी है तो इसमें 2 चीज़ों का फ्लेवर आएगा। देसी घी में इसको भून रहे हैं तो देसी घी का अपना एक फ्लेवर होता है। जैसे इसका पानी सूख जाएगा हम इसमें डालेंगे शुगर। का पानी सूख गया है, इसमें डालेंगे हम शुगर टेस्ट के अनुसार। मिलाते रहेंगे आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। बीटरूट ऐसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर लो करने में बड़ा हेल्पफुल है। ये आपके स्टैमिना को इंक्रीज करता है, इसलिए
ये बहुत ही हेल्पफुल है बॉडी के लिए। अब देखिए इसका पानी सूख गया है। अब इस स्टेज पे आके हम डालेंगे घर की निकली मलाई। आप खोया भी ऐड कर सकते हो, मैं मलाई ऐड कर रहा हूँ। इसमें 2 चम्मच मलाई के लिए और जो उसमें थोड़ा दूध था वो मैंने ले लिया। अब मैं इसको फिर दोबारा से हिलाऊंगा। ये घर की निकली हुई मलाई है। हम आपको जो भी रेसिपी देते हैं वो टोटली डोमेस्टिक होती हैं, ताकि घर पे आप आसानी से बना सकें। अब जैसे ही सूख जाएगा हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। जब ये स्टेज आ जाएगी हमारे हलवे की, इसमें डालेंगे हम, ये हमारे पास है इलायची पाउडर, ये मैं डाल रहा हूँ किशमिश, और जो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था वो मैं डाल रहा हूँ। अच्छी तरह हिलाएंगे। आप चाहो उसमें दूध डाल लो, आप चाहो उसमें खोआ डाल लो। तो मैंने मलाई डाली है, देखिए घी छोड़ गया है। घी छोड़ गया मतलब हमारा ये तैयार हो गया, ये हमारा हलवा बनके रेडी हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे बॉल के अंदर, गैस करेंगे बंद और इसको हम डालेंगे बॉल के अंदर, और इसके ऊपर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। ये हमारा बनके रेडी हो गया। सर्दियों में इसको रात को खाइए और इसका एंजॉय कीजिए। ये हमारा गाजर और बीटरूट का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप इसे सर्दियों में एंजॉय कीजिए, रात को खाने के बाद इसे खाइए। और अगर आपको पसंद आता है, मेरी रेसिपी पसंद आती है आपको, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।